Good morning, student. My dear student, today again here we are going to be the lecture number 2 on animal fiber, wool and silk. My dear student, in the previous lecture we have studied regarding the introduction of the fiber and wool. क्या पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है फाइबर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में. मैंने आपको बताया था कि कल नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं. फिर मैंने उसको आगे प्रोसीड किया और आपको बताया कि नेचुरल फाइबर के टाइप्स में एनिमल फाइबर भी आता है, जिसमें फर्दर टाइप आते हैं वूल एंड सिल्क. यहाँ हमने वूल को कल पढ़ना स्टार्ट किया था. तो मैंने आपको बताया था वूल हमको मिलता है स्लीप से. लास्ट टाइम जब हमारा क्लास फिनिश हुआ तो मैं बात कर रहा था मैनी टाइप ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप लाइक लोही, रामपुर एक्सेट्रा. मतलब मैं क्या बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो ब्रीड्स ऑफ सीप अवेलेबल हैं वो बहुत सारी तरीके की हैं, जिनमें लोही, रामपुर, ये बहुत इस तरीके की अलग अलग ब्रीड्स अवेलेबल हैं. यहाँ हमारा लेक्चर लास्ट टाइम ख़त्म हुआ था, आज मैं उसी लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ. आगे मैं बात करूँगा रियरिंग की. हम लोग कल बात कर रहे थे रियरिंग की, मैंने आपको बताया था कि सीप का पालन पोषण द प्रोसीजर इज नोन एज रियरिंग. वही क्या प्रोसीजर कहलाता था? रियरिंग कहलाता था. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम उसे पाल पोस रहे हैं. अब भाई पाल पोस रहे हैं सीप को तो पर्पज था, ऐसे थोड़ा कोई किसी को पालता है. और अगर पाल रहे हैं तो किस लिए पाल रहे हैं? मैंने कल आपको बताया था हमने पाल उसे क्यों रहे हैं, तो मीट के लिए पाल रहे हैं. दूसरा, हमें उससे बेसिकली वूल चाहिए, इसके लिए भी पाल रहे हैं. तो कल अब हम उसे पाल पोस रहे हैं तो भाई हमें कुछ खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा. तो खिलाने पिलाने के लिए आपने देखा होगा भीड़ क्या करती है, ग्रेजिंग करती है, चढ़ती रहती है इधर उधर. लेकिन भाई सिर्फ चढ़ने से काम नहीं चलता, जो रियरर्स होते हैं वो ग्रेजिंग के अलावा भी मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालें, ज्वार, कॉर्न, मतलब मक्का, मक्का का मिक्सचर, दालों का मिक्सचर, ये सब भी उनको खिलाते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देखो समझो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें ये नहीं पढ़ना है कि सीप्स का पालन पोषण हम क्यों कर रहे हैं. विद द बेसिक फंडामेंटल इज टू ऑब्टेन वूल. हमें पढ़ना है एनिमल फाइबर. व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली वूल. तो वूल को हम पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या है? वूल को ऑब्टेन करना. अब वूल को ऑब्टेन करने का जो प्रोसीजर है दैट प्रोसीजर वी विल स्टडी हियर. अब देखो समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इस टॉपिक में हम वो प्रोसीजर जानेंगे कि हम कैसे सीप से, सीप की जो फ्लीस है उससे कैसे ऑप्टेन करेंगे वूल को. तो जो मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसीजर में, मतलब उसकी सीप की फ्लीस से लेकर वूल बनने तक जितने भी मेथड इन्वॉल्व हैं वो हम सारे आज पढ़ने वाले हैं. उन सबको पढ़ने, उन सबको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लिक करके. बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए. और वैसे भी यही हमारा पर्पस था कि हमको अल्टीमेटली वूल चाहिए. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उसे क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं. बेसिक पर्पस चैप्टर का, इसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि आखिर साइंटिफिक तरीके से, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर साइंस, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम ऑप्टेन कैसे कर रहे हैं. तो ऑप्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला स्टेप इस टॉपिक का, दैट इज सीयरिंग. अच्छा, सीयरिंग होता क्या है ये समझते हैं. सीयरिंग का मतलब होता है द मेथड टू कट द वूल ऑफ अ सीप. एक सीप के बॉडी से वूल का, यानी जो उसकी फ्लीस है जिसके ऊपर वो हेयरी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं वो उतार लेना, वो कट कर लेना, वही मेथड कहलाता है शीयरिंग. अभी बड़ा टिपिकल हो गया ना सोचने वाली बात. आप सोच रहे हो सर उसकी तो जब वो उतारेंगे तो उसकी तो खाल भी उतर आएगी. यस, यू आर करेक्ट, यू आर थिंकिंग करेक्टली. एक्चुअली जब हम उसे उतारते हैं तो एक बहुत ही थिन लेयर सीप की बॉडी से उतर जाती है पूरी, दैट इज कॉल्ड फ्लीस. वो पूरी की पूरी फ्लीस मुड़ जाती है और वो पूरा वो हेयरी स्ट्रक्चर के साथ साथ फ्लीस भी ऊपर से उतर जाता है. अब सोच रहे होंगे आप, अरे ऐसा कैसे, अभी क्या हुआ? तो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ शेयरिंग के रियरिंग कि जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग की कुछ खास बातें. एक बात, पहली बात, शेयरिंग साल में बस एक बार होती है ज़्यादातर. मतलब क्या हुआ, यानी ज़्यादातर सीप्स की के ऊपर जो शेयरिंग होगी दैट शेयरिंग टेक्स प्लेस वंस इन अ ईयर. कम साल में एक बार होगी. एक बार की शेयरिंग में करीबन 4 से 5 किलो, कितना, 4 से 5 किलो ऊन ऑप्टेन होता है. हमको कम से कम 4 से 5 किलो ऊन मिल जाता है किसी भी हेल्थी सीप से. जो हेल्दी सीप होगी उससे हमको इतना ऑप्टेन हो जाता है. दूसरा,
ये जो शियरिंग का प्रोसीजर होता है, मतलब जब हम फ्लीस को उसकी बॉडी से उतार लेते हैं, ये जो प्रोसीजर जनरली इट हैपन्स इन समर, कब होता है? गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में क्यों होता है आप सोच रहे होंगे, गर्मियों में सर ऐसा क्या खास बात है? गर्मियों में क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में होती है, गर्मियों में जो उसकी बॉडी है या जो सराउंडिंग है वो ज़्यादा सेफ है, एनवायरनमेंट ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट स्टरलाइज्ड होता है। स्टरलाइज का मतलब क्या है कि गर्मियों में इन्फेक्शन नहीं फैलता। आप सोचो आपने सोचा है कभी कि आपके चोट लग जाए, कट लग जाए, और कट लग जाए बरसात के दिनों, और बरसात के दिन में थोड़ा सा कट लग जाए तो पता है हमको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर चांस रहता है कि वो पक जाएगा। पक जाने का मतलब क्या है? इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। ऐसे ही सर्दियों में भी हमारी चोट को जो बाउंड होते हैं आउटर बॉडी के ऊपर, उनके पकने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब फ्लीस उतारते हैं तो उसकी एक पतली सी स्किन बाहर उतर आती है। अब भाई पतली सी स्किन बाहर उतर जाएगी तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांस तो सीप को भी रहेंगे ना। तो इन्फेक्शन नहीं होता, स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है, सेफ एनवायरनमेंट होता है इन दी समर, गर्मियों में। तो इसीलिए जो ये शियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है साल में एक बार एप्लीकेबल होता है, और कब एप्लीकेबल होता है? जनरली इन दी समर। ये बात समझ में आ गई? अब आप सोच रहे होंगे सर कितना बुरा कर रहे हैं ना हम सीप के साथ, सीप के से खाल उतार दे रहे हैं उसकी। नहीं, याद रखना आप बच्चों, शियरिंग डज नॉट हर्ट सीप। सीप को शियरिंग कभी हर्ट नहीं करती है, उसको कभी रियलाइज नहीं होता कि उसकी खाल यहाँ से उतार ली गई है, उसको कोई पेन नहीं होता है कभी भी, उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जनरली कब होती है? गर्मियों में होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? नाउ द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड स्टेप, जब शेयरिंग हो गई, हमने वो सारी फ्लीस उतार ली उसकी बॉडी से, अब क्या होगा? तो ग्रेडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेडिंग में क्या होगा? इट इज़ द सेपरेशन ऑफ होल फ्लीसीज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, कंडीशन, साउंडनेस एंड कलर इन टू लॉट्स सिमिलर इन करेक्टर एंड वैल्यू। भाई इसका मतलब क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? मतलब ये, कभी आपने बाल देखे हैं दादाजी के? सफ़ेद बाल। और पापा के बाल देखे? कुछ काले कुछ सफ़ेद। कभी अपने बाल देखे हैं? काले ही काले हैं। ऐसा कोई किसी के सफ़ेद बाल हों सिर्फ? नहीं है ना। अभी समझो, यानी हमारे सबके दादाजी के बाल की क्वालिटी, पापा के बाल की क्वालिटी, हमारे बाल की क्वालिटी, इवन आपकी अपनी बॉडी पे, आपके हाथ पे, आपने पापा के हाथ पे बाल देखे हैं? उनके हाथ पे बाल होंगे, उनके सर पे बाल होंगे। अब क्या उनके सर का बाल और हाथ का बाल दोनों सेम स्ट्रांग हैं? नहीं, वो अलग अलग क्वालिटी के हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन है, उनकी अलग अलग साउंडनेस है, उनके अलग अलग कलर हैं। तो इसी के बिहाफ पे जो सीप होती है उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरीके का फ्लीस, डिफरेंट तरीके के हेयर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हेयर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंडीशंस के, अलग अलग क्वालिटी के। तो सबसे पहला काम है शियरिंग के बाद हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में क्या होता है? हम उनको सेपरेट आउट करते हैं कि ये वाली क्वालिटी वाले बाल इस तरफ, ये वाली क्वालिटी वाले बाल इस तरफ, ये वाली क्वालिटी वाले बाल इस तरफ। इस तरीके से हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स, नेक्स्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कम, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग एंड क्लीनिंग। अब भाई हमने फ्लीस उतार ली, अब फ्लीस उतारने के बाद क्या करेंगे? फ्लीस उतारने के बाद हम उसकी वॉशिंग करेंगे। अब वॉशिंग उसकी ऐसे नहीं होती है। अच्छा, वॉशिंग का पर्पस क्या है? इट इज द प्रोसीजर ऑफ बॉइलिंग फ्लीस इन 60 डिग्री टेम्परेचर वाटर टू रिमूव ऑयल एंड इम्प्योरिटी। क्योंकि वो अभी भेड़ थी ना, वो जमीन पे भी बैठ के आ रही थी, वो हर जगह बैठ के आ रही थी, गंदगी में भी बैठ के आ रही थी, हो सकता है उसके ऊपर डर्ट जमा हुआ हो, तो उसको यूज़ तो नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम उसकी वॉशिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग कैसे करते हैं? तो क्लीनिंग करने के लिए क्यों करते हैं क्लीनिंग? एक तो ऑयल को और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो क्लीनिंग के इसका एक अच्छा तरीका है, क्लीनिंग करते कैसे हैं? एक तो 60 डिग्री पे वाटर को हॉट किया, गर्म करा, उसमें इसको डाल देते हैं, जिससे इसमें से इम्प्योरिटी हट जाती है और इसकी ऑयल की इम्प्योरिटी भी हट जाती है। उसके बाद बाहर निकालते हैं, फिर धीमे धीमे ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं, रिंस ऑफ करते हैं और इसको सुखा लेते हैं बाद में। ये बात समझ में आ गई? ऐसे इसकी गंदगी हट जाती है। तो यानी सबसे पहला प्रोसीजर समझ गए, शियरिंग हो गई, खाल उतार ली, ग्रेडिंग कर ली हमने, मतलब अलग अलग पार्ट्स में उसको, उसकी क्वालिटी साउंडनेस के बिहाफ पे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर वॉशिंग एंड क्लीनिंग करी, उसकी इम्प्योरिटी हटा दी, अभी वो साफ स्वच्छ बन गया एकदम से। समझ रहे हो ना? तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा है इसी मेथड में, जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग। अच्छा, सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग क्या है? तो सॉर्टिंग का मतलब है द प्रोसेस बाई विच फ्लीस इज डिवाइडेड इंटू वेरियस क्वालिटीज
इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अभी पता है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बाई लिखा हुआ, ये ओ बाई, ओ बी बाई हो गया यहाँ पे, इसको सिर्फ बाई है ये। तो द प्रोसेस बाई विच फ्लीस इज डिवाइडेड इंटू वेरियस क्वालिटीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मतलब फ्लीस को क्वालिटी वाइज डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सॉर्टिंग। अभी आप सोच रहे होंगे ग्रेडिंग क्या था सर, फिर तो ग्रेडिंग में फ्लीस को डिवाइड कर रहे थे हम, उसकी साउंडनेस, उसकी क्वालिटी के बाद पे एक्सेप्टेड। पर यहाँ सफाई वफाई के बाद हमने क्लीनिंग कर ली, उसकी क्लीनिंग के बाद बेसिकली हम फाइबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? फाइबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइबर्स को फ्लीस के बिहाफ पे फाइबर को डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना इस बात को। और सेकेंड प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेम फाइबर इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। अभी इसमें क्या है, ब्लेंडिंग बेसिकली अगर सॉर्टिंग कर ली, यानी फ्लीस तो ग्रेडिंग में डिवाइड हो गई, अब फ्लीस के ऊपर के जो फाइबर्स हैं यानी जो एयरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनको डिवाइड करना क्वालिटी के बिहाफ पे, दैट्स कॉल्ड सॉर्टिंग। वही सॉर्टिंग कहलाती है। अब ये उन्हीं सॉर्टिंग करने के बाद उनके सिमिलर टाइप के फाइबर्स को कंबाइन करना, बहुत सारे अमाउंट में कंबाइन करना कहलाता है ब्लेंडिंग। तो ये जो प्रोसेस उधर हो गया, यानी हमारे फाइबर का साइज बढ़ने लगा। अब कार्डिंग, नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पन एंड वोवन टू मेक स्टैंडर्ड क्वालिटी फैब्रिक। अब जो पीछे हमने ब्लेंडिंग में फाइबर इकट्ठा कर लिया, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स को कलेक्ट करके थोड़ा मजबूत बना लिया, उनको हमने स्पन करा, सिलाई बुनाई कढ़ाई करी और हमने बना लिया एक फैब्रिक। क्या बना लिया? फैब्रिक। याद आ रहा है, फैब्रिक जब बन जाएगा तो क्या बनेगा, अभी कपड़ा बनने वाला है, क्या बनने वाला है? तो हम फैब्रिक तक पहुंच गए, क्या पहुंच गए? फैब्रिक बन गया, उन्हीं से भी हमने फैब्रिक बना लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। इट इज द ट्विस्टिंग टेक्निक्स वेयर द फाइबर इज ड्रॉन आउट एंड बाउंड ऑन टू अ वोविन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि फाइबर्स जो सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग में फाइबर डेवलप हो गया, उसको हमने सबको कलेक्ट करना बाउंड कर, ट्विस्टिंग टेक्निक्स हैं। कभी आपने बूल देखी है? बूल में बहुत सारे धागे होते हैं, बहुत सारे आपस में ट्विस्ट हो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग के बाद स्पिनिंग हुई है, हमने उससे वो स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट किए हैं, फिर उसी से बना है फैब्रिक हमारा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज डाइंग। अब हम क्या करने वाले हैं? डाइंग करने वाले हैं। जैसे डाइंग से हम ये डाई करते हैं, डाई का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइबर्स कलरफुल। क्योंकि एक्चुअल में जो नेचुरल फ्लीस अवेलेबल होती है सराउंडिंग में, जो सीप की बॉडी पे अवेलेबल होती है, वो ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन कलर की होती है। सिर्फ ब्लैक में अवेलेबल होती है, या तो व्हाइट में होती है या ब्राउन में होती है। अब हमें तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनने हैं, नए नए कलर्स के कपड़े पहनने हैं, तो वो सारे कलर्स एक्चुअली नेचुरल नहीं होते हैं, वो सब हम उनको डाई करके यानी कलरफुल बनाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो फ्लीस अवेलेबल है नेचुरल वाली, जो ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन है, उसको हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, कलरफुल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाई करके। क्या करके? नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज वीविंग एंड नाइटिंग। लास्ट प्रोसीजर है इसमें, दैट इज वीविंग एंड नाइटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग द यार्न पीसेस इज कॉल्ड वीविंग। उन्हीं यार्न पीसेस को इंटरलॉक करना बन गया हमारा वीविंग। वाइल द प्रोसेस टू मेक क्लॉथ कंफर्टेबल एंड लूज इन यूज इज कॉल्ड नाइटिंग। वहीं पे जब क्लॉथ डेवलप होता है तो उसको कंफर्टेबल और लूज बनाने के लिए, हम कंफर्टेबली हम पहन सकें, वो लूज पहनने में, दैट इज कॉल्ड नाइटिंग। एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर वूल बनने का। जब स्टार्ट होगा कहाँ से, जब बेसिकली सीप की फ्लीस को हम उतार लेते हैं, फ्लीसिंग कर लेते हैं, वहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, और तब से लेके यार्न बनने तक, कपड़ा बनने तक का जो प्रोसीजर है, ये हमें बेसिकली पढ़ना था, वो मैंने आपको पूरा स्टडी करा दिया। नाउ द काइंड ऑफ वूल की बात करिए, हमें टाइप ऑफ वूल क्या होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किसके बिहाफ पे? ऑरिजिन के बिहाफ पे, वो कितनी बार यूज हुआ है, या आप कह सकते हैं कि कितनी बार यूज हुआ है, इसके बिहाफ पे आप वूल को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में। एक तो प्योर वूल। प्योर वूल कौन सा है? इट इज द वूल नॉट यूज बिफोर। ये वो वूल है जो कभी आज से पहले यूज ही नहीं हुआ, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज, जो पहली बार यूज होगा कहेंगे प्योर वूल है। रिप्रोसेस्ड वूल, इट इज द वूल रिकवर्ड फ्रॉम द फैब्रिक नेवर यूज बिफोर। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एक्चुअली ये वो वूल है जो फैब्रिक तो बन चुका है, आप समझिए फैब्रिक बन गया एक तरीके से, आप समझिए क्लॉथ तो बन गया बट यूज नहीं हुआ है,
उससे हमने रिसाइकल किया है, वापस से रिसाइकल किया है, रिप्रोसेस्ड किया है, तो उस पार्टिकुलर वूल को बोलते हैं रिप्रोसेस्ड वूल। अभी रिवाइज्ड वूल क्या है कि हम ऐसी चीजों से वो वूल बना रहे हैं जो एक्चुअली दैट हैज बीन यूज एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो वो यूज में आ चुकी हैं। जो एक बार यूज में आ चुकी हैं उनसे अगर हमने रिसाइकल करके बनाया है वूल को, वो कहलाती है रिवाइज्ड वूल। अगर कपड़ा बन चुका है, फैब्रिक डेवलप हो चुका है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ है, उससे हमने उसको यूज किया है, बनाया है, रिसाइकल किया है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोसेस्ड। और अगर कभी वो फैब्रिक बना ही नहीं था, फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग दैट, दैट इज कॉल्ड प्योर वूल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वूल। वूल का सारा प्रोसीजर हमने पढ़ लिया कि वूल ऑब्टेन कहाँ से होता है, एनिमल फाइबर है, सीप के बारे में जान लिया, रियरिंग ऑफ सीप जान लिया हमने, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या खाती है सीप, और किस तरीके से हम वूल को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सीप, ये सारा प्रोसीजर हम जान चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल फाइबर, दैट इज सिल्क। कुछ इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ। सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, दैट इज कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ। अभी ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होता है, ये भी तरीके का एनिमल फाइबर है, और इसकी खासियत पता है, ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में। मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, आप क्या करेंगे बेटा, आपकी जो बुक में एक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी नहीं है एक्चुअली, आपकी बुक में एक इंट्रोडक्शन दे रखा है जिसमें बताया है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है सिल्क का, जहाँ बताया गया है चाइना में ये किसने सर्च किया था, और वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक्टिविटी के बिहाफ पे दे रहा हूँ कि आप आज उस एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर पोर्शन को बुक में फाइंड करेंगे कि कहाँ इसकी ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है कि सिल्क कहाँ ओरिजिन हुआ, और अपने घर के सबसे बड़े मेंबर को आज ये बात बताएंगे कि सिल्क चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कहानी बुक से पढ़ के सबको अपने घर वालों को आज बतानी है। समझ में आई इतनी बात? आपसे मैं कल पूछूंगा कि किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने बताई, और इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी। समझ में आ गई आपको इतनी बात? नाउ वन अनदर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बेसिकली क्या है, द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। मतलब क्या हुआ कि सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ सिल्क वॉर्म्स को, यानी जो सिल्क के कीड़े हैं, बेसिकली वॉर्म्स कह सकते हैं आप उनको, उनको पाल, उनका पालन पोषण करना, ये कल्चर कहलाता है सेरीकल्चर। और मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के आज क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, सिल्क का इंट्रोडक्शन देके। अब ये समझ लीजिए सिल्क एक तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आज की क्लास में, लेकिन थोरोली वी विल स्टडी रिगार्डिंग सिल्क टुमारो। हम नेक्स्ट क्लास में सिल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज की आपकी एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया कि सिल्क का जो ऑरिजिन हुआ है आपकी बुक में, उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट स्टोरी यू हैव टू डिस्कस विद योर गार्जियंस। आपको अपने गार्जियंस के साथ उस स्टोरी को डिस्कस करना है, उनको बताना है कि चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो नेम मैं आपसे कल पूछूंगा। समझ में आ गई इतनी बात? नाउ आपका होमवर्क, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग योर होमवर्क। होमवर्क आपका क्या है, डू रीड द पोर्शन ऑफ द चैप्टर टॉट टुडे। आज जो चैप्टर, जितना पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है, वो अपनी बुक में रीड करिए आज। डू कंप्लीट योर नोट्स, अपने नोट्स को कंप्लीट करिए, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जहां आप इनके नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे, जो आपने कल की क्लास में भी कर लिए होंगे उसके आगे आज की, आज वाली क्लास की कर लीजिए। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर पैनिक नहीं होंगे, द कंप्लीट एक्सरसाइज आई विल हैंडल। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको हैंडल करूंगा, हर एक क्वेश्चन आई विल डिस्कस, एवरी क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू। बट आप लोग कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उनको फाइंड कर लीजिए, जितने पढ़े हुए क्वेश्चन में से आ जाए उतना ठीक है, नहीं आएगा एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई सबको? थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।